कोरोना की तीसरी स्टेज, क्या इस ओर जा रहा भारत, हर किसी को सता रही चिंता, तीसरी स्टेज पर मचेगी तबाही। दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई है जिसके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस ने सिर्फ 3 महीनों के अंदर दुनिया के कई देशों में तबाही मचा दी। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में हर किसी को यही डर सता रहा है कि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, कहीं भारत के भी हालात इटली और स्पेन जैसे ना हो जाए। साथ ही सवाल मन में ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना का तीसरा पड़ाव शुरू हो गया या फिर हम इस ओर जा रहे हैं। पहली स्टेज दूसरे देश से संक्रमित होकर आए, दूसरी स्टेज संक्रमित व्यक्ति से संपर्क होना, तीसरी स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, चौथी स्टेज जब संक्रमण महामारी बन जाए, एक गलती बन सकती है खतरा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचने के लिए हर नागरिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक नागरिक की गलती लाखों भारतीयों की जान के लिए खतरा बन सकती है, सो जरूरत है शक होने पर तुरंत जांच करवाई जाए। आखिर क्यों खतरनाक है तीसरी स्टेज? तीसरी स्टेज कोरोना का सबसे खतरनाक स्तर है। इसमें कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। भारत सरकार इस चरण को लेकर न सिर्फ चिंतित है बल्कि संजीदा व सुचेत भी है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाए, तब माना जाएगा कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। वही चौथा चरण वो होता है जब कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी का रूप ले लेता है। चीन और इटली है उदाहरण। बता दें कि चीन और इटली जैसे देशों में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ था। वहां दूसरे स्टेज में कोरोना के करीब 300 मरीज थे, लेकिन तीसरा स्टेज आते ही मरीजों की संख्या हजारों में हो गई। इटली के लोगों की शुरुआती 10 दिनों की गलती ने ही उन्हें इस खतरनाक थर्ड स्टेज में पहुंचाया है। वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि इनके पास भारत से कहीं ज्यादा मेडिकल उपकरण है। क्या तीसरी स्टेज के लिए तैयार है भारत? भगवान न करे कि चाइना और इटली की तरह यहाँ हालात हो जाए, क्योंकि कोरोना के तीसरे स्टेज के लिए ना तो भारत तैयार है और ना ही भारतीय, मतलब ना तो हम अब तक इसके प्रति जागरूक हो पाए हैं और ना ही हमारे स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम उतना मजबूत है। थर्ड स्टेज में संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में अभी जितने लैब हैं उनमें सभी लोगों के टेस्ट पूरे नहीं हो पा रहे, उनमें समय लग रहा है। तीसरी स्टेज से बचने का एक ही उपाय, अगर कोरोना के थर्ड स्टेज से बचना है तो इसका एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि जितना हो सके दूसरों से दूर रहें। सरकार के निर्देशों पर अमल करते हुए अपने ही घरों में रहें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।